हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर एक प्रोडक्ट का इस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ फैक्ट जाने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हैं कि एक और प्रोडक्ट का ऐड दिख जाता है और फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दोनों में से कौन सा खरीदे, कौन सा बेस्ट है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली ऐसे मार्केटिंग पर मत जाइए, ऐसे प्रेजेंटेशन पर मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर जाइए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए ताकि आपको बेटर प्रोडक्ट मिले, समय भी बर्बाद ना हो। क्योंकि कई व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, वो प्रोडक्ट यूज़ किया, 6-8 महीने यूज़ किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, इतने पैसे बर्बाद हो गए, राइट? तो इससे बचने के लिए बेटर है कि आप ऑलवेज फैक्ट पर जाइए। तो अभी कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किए कि HK Vitals DHT ब्लॉकर विद बायोटिन काफ़ी चलन में आ रहा है, काफ़ी इसका भी प्रमोशन किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो क्या वाकई ये इफेक्टिव है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, DHT ब्लॉकिंग के लिए इफेक्टिव है, क्या न्यूट्रिशन के पर्पज़ से लिए ये बेस्ट है, या फिर टुशे वेलनेस का फॉलीचार्ज बेस्ट है, दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट है। वैसे फॉलीचार्ज का डिज़ाइन चेंज हो गया, पहले जब मैं लेता था तब ऐसा आता था, अब इन्होंने डिज़ाइन और पैकिंग चेंज कर दिए। हालांकि हमें पैकिंग और डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हम खाते नहीं, वो डायरेक्टली फेंक देते, राइट? हमें मतलब है क्वालिटी से, काम से मतलब है। तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले HK Vitals का DHT ब्लॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि क्या ये DHT को सही में ब्लॉक कर सकता है और न्यू हेयर को रीग्रो करवा सकता है कि नहीं। तो DHT ब्लॉकिंग के लिए इन्होंने बीटा साइटोस्टेरोल ऐड किया हुआ है और कंपनी का कहना है कि ये DHT को ब्लॉक करता है और न्यू हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। वहीं अगर फैक्ट्स की बात करें तो कहीं पर भी क्लिनिकली ये टेस्टेड नहीं है, कहीं पर भी क्लिनिकली ये प्रूव नहीं है कि ये वाकई DHT को ब्लॉक कर सकता है। जैसे कि फिनस्ट्राइड है, वो क्लिनिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है कि DHT को ब्लॉक कर सकता है और न्यू हेयर को रीग्रो करवा सकता है। मीन्स अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिनस्ट्राइड टैबलेट लेते हैं तो DHT को ब्लॉक कर सकते हैं, न्यू हेयर को रीग्रो करवा सकते हैं, बस उसके कुछ टेम्पोररी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेम वैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिडिल यूज़ कर हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और न्यू हेयर को रीग्रो करवा सकते हैं। वहीं अगर मैं बीटा साइटोस्टेरॉल की बात करूं, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीटा साइटोस्टेरॉल पर डिपेंड होते हैं तो डेफिनेटली ये आपका DHT ब्लॉक नहीं करेगा, ना ही आपका हेयर को रीग्रो करवा सकता है। हाँ, बीटा साइटोस्टेरॉल जरूर कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज होता है और हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने में हेल्प करता है, खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम एब्जॉर्ब करवाता है, एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। देन इसमें जो सेकेंड मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है स्टिंगिंग नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट। कंपनी का कहना है कि ये हेयर थिनिंग प्रोसेस को रोकता है, हेयर को थिकनेस बढ़ा देता है। वहीं अगर फैक्ट की बात करें तो क्लिनिकली ऐसा कहीं पर भी प्रूवन नहीं है, क्लिनिकली कहीं पर भी ऐसा टेस्टेड नहीं है कि ये वाकई हेयर थिनिंग प्रोसेस को रोकता है। इट मींस ये एक तरीके से मार्केटिंग स्लोगन जैसे हो गया है। जैसे कि हम बचपन से टीवी में ऐड देखते आ रहे हैं कि ये हेयर ऑयल लगा लो, वो हेयर ऑयल लगा लो, कभी गंजापन नहीं आएगा और हेयर हेल्दी रहेंगे, राइट? लोग वाक बचपन से लगाते आते हैं फिर भी गंजे हो जाते हैं। ऐसे कई तरह के ऐड आता है जैसे कि ये फेयरनेस क्रीम लगा लो, काले से गोरा हो जाएंगे। बचपन से लोग लगाते आते हैं लेकिन स्किन टोन में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो उस तरीके से ये एक मार्केटिंग स्लोगन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं मल्टीविटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि HK Vitals न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है या फिर टुशे वेलनेस पॉलीचार्ज न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एक्चुअली तो हेयर को वैसे कई तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनमें से जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो है अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देन चाहिए बायोटीन, देन चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, देन आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, ये की मेन इन्ग्रीडियंट्स है, मेन न्यूट्रिएंट्स है जो तो चाहिए ही चाहिए, राइट? अब देखते हैं कि HK Vitals में क्या क्या है और फॉलीचार्ज में क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो HK Vitals में बिल्कुल भी अमीनो एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहीं अगर फॉलीचार्ज के बारे में बात करें तो इसमें 18 तरह के अमीनो एसिड है। तो इस मामले में फॉलीचार्ज HK Vitals से बेस्ट है। अब कंपेयर करते हैं बायोटीन के बारे में। तो HK Vitals में अगर बायोटीन की बात करें तो इसमें 40 माइक्रोग्राम है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% है। और अगर फॉलीचार्ज के बारे में बात करें तो इसमें है 10,000 माइक्रोग्राम, कहाँ 40 माइक्रोग्राम, कहाँ 10,000 माइक्रोग्राम। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, जब 40 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% है तो फिर ये इतना ज़्यादा बायोटीन की क्या ज़रूरत है और क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? तो देखिए,
जो 40 माइक्रोग्राम है ये ओवरऑल बॉडी के लिए चाहिए, राइट? आपके सर पे बाल है या नहीं है, स्किन, नेल, अदर चीज के लिए टोटल 40 माइक्रोग्राम चाहिए, ये एक नॉर्मल एवरेज है। अब किसी किसी के शॉर्ट हेयर होते हैं, किसी किसी के लॉन्ग हेयर होते हैं, तो हेयर जितना लॉन्ग है उस हिसाब से बायोटिन का भी रिक्वायरमेंट रहता है, राइट? आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, कभी कभार आपके शॉर्ट हेयर होते हैं तो हेयर फॉल नहीं होता है, जैसे ही आप लंबे बाल रखते हैं ऑटोमेटिकली हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके शॉर्ट हेयर के हिसाब से आप जितना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो तो मिल जा रहा है, लेकिन जैसे लॉन्ग हेयर हो रहे हैं उस हिसाब से आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे। और किसी किसी के होता है कि शॉर्ट हेयर में भी हेयर फॉल हो रहा है, इट मींस या तो वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है कि हेयर रूट तक पहुंचे। तो 10,000 माइक्रोग्राम बायोटिन से ये होगा कि शरीर को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ले लेगा, बाकी वेस्टेज में निकल जाएगा। रहा सवाल साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट्स इसलिए नहीं है क्योंकि बायोटिन वाटर सॉल्यूबल है, मीन्स शरीर को जितना चाहिए वो रख लेता है, बाकी वेस्ट में निकल जाता है। देन बात करते हैं ओमेगा 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एचके वाइटल्स में ओमेगा 3 बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर मैं फॉलीचार्ज की बात करूं तो इसमें सी बकथॉर्न का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि 350 मिलीग्राम है। पहले जब मैं यूज़ करता था तो इसमें ओमेगा 3 नहीं था, तो एडिशनली ये ऐड कर दिया इन्होंने, तो ये तो और प्लस पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी मल्टीविटामिन टैबलेट आते हैं उनमें ओमेगा 3 नहीं होता है, वो अलग से खरीदना पड़ता है। देन बात करते हैं आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगेन एचके वाइटल्स में आयरन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर फॉलीचार्ज की बात करें तो 14 मिलीग्राम आयरन है जो कि डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% है, और ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देन बात करते हैं जिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिंक एचके वाइटल्स में 15.5 मिलीग्राम है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% है। वहीं अगर मैं फॉलीचार्ज के बारे में बात करूं तो इसमें 10 मिलीग्राम है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 83% है। तो यहां पर एचके वाइटल्स जीत जा रहा है, यहां पर एचके वाइटल्स में ज़्यादा जिंक है। अब अगर विटामिन ई के बारे में बात करें तो एचके वाइटल्स में 10 मिलीग्राम है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% है। वहीं अगर फॉलीचार्ज की बात करें तो इसमें 5 मिलीग्राम है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50% है। तो यहाँ पर एच के वाइटल्स में विटामिन ई ज़्यादा है और इस मामले में एच के वाइटल्स विनर है। देन बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, तो एच के वाइटल्स में बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं है। वहीं पॉलीचार्ज में 40 मिलीग्राम विटामिन सी है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% है। तो अब अगर मैं DHT ब्लॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ना एच के वाइटल्स इफेक्टिव है, ना पॉलीचार्ज इफेक्टिव है। अगर मैं मल्टीविटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फॉली चार्ज सबसे बेस्ट है एच के वाइटल्स में, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे की इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, अमीनो एसिड नहीं है, ओमेगा 3 नहीं है, बायोटिन कम है, विटामिन सी नहीं है, आयरन नहीं है, सिर्फ जिंक और विटामिन ई में आगे हैं। वहीं फॉली चार्ज की बात करें तो हेयर के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे हैं। इनफैक्ट आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर जितने भी मल्टीविटामिन टैबलेट है उसमें ओमेगा 3 नहीं होता है, उसको एडिशनली खरीदना पड़ता है, या फिर उनमें बायोटिन भी कम होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको 3-4 अलग अलग मल्टीविटामिन टैबलेट लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि अब आप बीमार पड़ गए हैं और आप मेडिसिन ले रहे हैं, तब आपको ये नहीं लगता कि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, राइट? तो फॉलीचार्ज में हेयर से रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और भी कई न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, जैसे कि फॉलिक एसिड, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन B5, विटामिन B3, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ऐसे और भी कई न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद है। तो फिलहाल ये बेटर है। अगर आप और भी कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें हेयर के लिए जितने भी मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए वो सब अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बेस्ट हो। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये सोच कर ले रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं मल्टीविटामिन पर डिपेंड रहूंगा, मल्टीविटामिन टैबलेट ले लूंगा तो मेरा हेयर फॉल कम हो जाएगा और न्यू हेयर ग्रोथ हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये एक सप्लीमेंट है, राइट? ये मल्टीविटामिन जो है ये न्यूट्रिएंट्स हेयर रूट तक पहुंचे, इसके लिए क्या जरूरी है? ब्लड सर्कुलेशन। आप ले रहे हैं लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं है तो ब्लड के माध्यम से वो हेयर रूट तक पहुंचेगा ही नहीं और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मल्टीविटामिन के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि ओवरऑल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो। और अदर मीन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का भी तरीका है, और मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, आप प्लीज़ उन वीडियो को देख सकते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कीजिए, तब जाके ये जो मल्टीविटामिन वो काम आएगा। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप ब्लड सर्कुलेशन करवा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं,
तो अल्टीमेटली हेयर को खाना नहीं मिल रहा है तो कैसे हेयर जीवित रहेंगे, राइट? तो हेयर को खाना जरूरी है, और खाना हेयर तक पहुंचे इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन भी जरूरी है। आई होप वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।